हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आज इस वीडियो में हमारी खत्म करने आ रही है एक्सरसाइज 5.1। बचे हुए चार क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब आप यहाँ देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप कहोगे कि मैम इसमें क्या चेंज हुआ, हमने पहले तो कंटिन्यूस फंक्शन शो किए हुए हैं। अगर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट पे किया हुआ, अगर नहीं दिया हुआ तो हमने कोई सी ले लिया है रैशनल नंबर रियल नंबर्स में से, है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन देखो, अगर आप देखोगे इस फंक्शन को ध्यान से, तो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ एक फंक्शन कॉस है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। तो मतलब ये जो कॉस इस तरह से, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक अलग है। इस एक्स की जगह पे ये एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। तो ये जो हमारा यहाँ फंक्शन बना हुआ है, ये इन दोनों फंक्शन के मिक्सचर से बना हुआ है ना। तो इस तरह के जो मिक्सचर से जो फंक्शन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। पढ़ा है ना अभी हमने, तो कंपोजिट फंक्शन आपका ये है। तो इस कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यू शो करने के लिए हमारे पास बुक में एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम नंबर 2, जो कि आपके पेज नंबर 158 है ना। तो हम इस थ्योरम की हेल्प से इस कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यू शो करेंगे। तो ये जो थ्योरम नंबर 2 है, ये आपकी यहाँ पे क्या कहती है कि सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट कि एफ जो है वो हमारा कॉस एक्स हो गया और जी जो है हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, इफ जी इज कंटिन्यू एट सी, इफ एफ इज कंटिन्यू एट जी सी, देन फॉग इज कंटिन्यू एट सी। तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इस थ्योरम में मत जाओ, इसका ना कोई प्रूफ आता है, कुछ नहीं आता है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे करना है, वैसे आपको यहाँ पे ये समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम इसके पीछे देखते रुको। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि जो भी फंक्शन आपका लिखा हुआ है उसमें से दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दो। तो पहला फंक्शन जो आउटर फंक्शन है वो कॉस है, तो मैंने उसको जी एक्स ले लिया, और जो इनर फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, उसको मैंने एच एक्स ले लिया। फिर आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करनी है कि गो इक्वल, जैसे हम फॉग नहीं निकालते थे एफ ऑफ जी एक्स, वैसे हम यहाँ पे एच जी ऑफ एच एक्स निकालेंगे और वो शो करेंगे कि ये हमारा एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। कैसे देखो, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो एलएचएस मैंने यहाँ पे ले लिया, तो जी ऑफ एच एक्स हम ऐसे लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओ को हटा करके यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लिया, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो जो आउटर फंक्शन है वो हमेशा बाहर रहेगा। तो यहाँ पे आप एच एक्स की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स होगा, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, अब जी ऑफ अंदर क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और हमने जब गॉ निकाला तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो हमें ये चीज यहाँ पे पहले शो करनी है। अगर हमने ये शो कर दिया, उसके बाद इन इंडिविजुअल फंक्शंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू शो करेंगे। कॉस एक्स को कैसे शो करना है, मैंने आपको बताया था भाई, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी करके या किसी एक पॉइंट पे हम किया था। सेम हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी किया हुआ है, एल लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट, राइट हैंड साइड पॉइंट, और एफ ऑफ एक्स करके निकाला। इस तरह से हम उनको इंडिविजुअल कंटिन्यू शो करेंगे। फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर g एंड x अगर हमारे कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट पे या किसी रियल नंबर के सारे पॉइंट के ऊपर, तो उनका कंपोजिशन जो है, जो इसका कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये हमारा प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। फंक्शन दिया हुआ है उसमें से अलग अलग लिख लो, अलग अलग निकालने के बाद ये स्टेप कर लो, ये स्टेप के बाद भी इनको अलग अलग कंटिन्यू शो कर दो। अलग अलग करना हमने पूरी एक्सरसाइज में यही काम किया है। अगर ये अलग अलग कंटिन्यूज हो गए तो हम कह देंगे कि भाई इसका जो ये कंपोजिट फंक्शन बन रहा है ये भी उसका क्या है, मतलब ये वाला ये भी क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आधा काम तो हम कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले अब आप अच्छे से समझो, सबसे पहले हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स स्क्वायर है, ये आउटर है ये इनर है, तो आउटर वाले को हम यहाँ पे जी एक्स ले लेते हैं, तो जी एक्स आपका यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, और एच ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो गया, तो एच ऑफ एक्स आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ फिर स्टेप नंबर 2 हमें यहाँ पे दिखाना है, क्या शो करना, नाउ वी हैव टू शो कलर चेंज कर लेते हैं चलो, कि जी ऑफ एच एक्स जो हमारा आ रहा है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, हमें यहाँ पे ये शो करना है, ठीक है। तो शो कैसे करेंगे, हम यही जो हमें लेकर चलना है वही लेके चलते हैं, जी ऑफ एच एक्स ले लेते हैं, ओ को हटा करके हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ये हो गया, एच एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये आपका यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। एच एक्स की वैल्यू रखी, अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या रख दोगे, अब एक्स स्क्वायर रख दोगे, तो ये आपका यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि हमारा किसकी इक्वल है, एफ एक्स के यहाँ पर इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हैंस जी ऑफ एच एक्स जो है वो हमारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की क्या है, इक्वल है, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद हमें वही लंबा प्रोसीजर करना है, इसको कंटिन्यू शो करना है, इसको कंटिन्यू शो करना है। तो ये काम मैं पहले करवा चुकी हूँ, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे किया। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था ना, जिसमें ये चारों हमें करने थे, तो ये कॉस वाला हमने यहाँ किया था। तो सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से इसको कंटिन्यू शो करना है ना, कि हमने कोई एक पॉइंट सी लिया, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट तो दिया हुआ नहीं, उस पॉइंट सी पे हमने एलएचएल लिमिट निकाला, आरएचएल निकाला, एफ ऑफ सी निकाला, तीनों आपके यहाँ पे इक्वल आ रहे थे, तो हमने कहा था कि एफ इज कॉन्टिन्यू, फंक्शन जो है कॉस एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है सारे रियल नंबर्स पे ना। तो यहाँ इसके लिए भी सेम करोगे, इसके लिए भी सेम करोगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टिन्यू शो हो गए, तो उसके बाद हम लिख देंगे भाई ये दोनों हमारे कंटिन्यूज है, तो इनके कंपोजिट भी कंटिन्यूज होंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि हम जानते हैं कि gx में जो फंक्शन है cos x वो कंटिन्यूज होता है, ये भी हमारा कंटिन्यूज होता है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, hence hx is continuous for all value of x, यदि hx फंक्शन का x स्क्वायर है, तो हमने यहां पे वैल्यू रखा, हम x की जगह पे क्या वैल्यू रख सकते हैं, सारे रियल नंबर्स हम यहां पे रख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर के डोमेन में जो जो भी वैल्यू होगी वो हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अब यहां पे ये फंक्शन में x स्क्वायर कहां रखोगे, cos x स्क्वायर ना, तो यहां पे जो ये फंक्शन आपका आ रहा है g of x, ये फंक्शन आ रहा है, ये इसकी सारी वैल्यूज पे कंटिन्यू होगा। ये आपका अभी तो x स्क्वायर है, मान लो कोई ये 1 अपॉन x हो गया, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये सारे इसके डोमेन पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा कि hx जो है वो तो इस x के ऊपर कंटिन्यूज होगा, इस x की सारी वैल्यूज पे, तो हम यहां सारे रियल नंबर सकते हैं, और gx जो आपका होगा वो इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो gx इज कंटिन्यूज होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ hx, hx में हम सारे x रख सकते हैं, और gx के अंदर हम सारे जो hx फंक्शन है उसकी डोमेन की वैल्यू यहां पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां पे शो कर दिया। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि इफ टू फंक्शन gx एंड hx बोथ आर कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन देयर कंपोजिशन, यानी इनके कंपोजिशन से जो फंक्शन बन रहा है g ऑफ h ऑफ x यानी cos x स्क्वायर, ये भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब x स्क्वायर cos x स्क्वायर जो कंपोजिट फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इस तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो पहले आउटर फंक्शन क्या है आपका, मॉड्यूलस आ रहा है, और अंदर कॉस एक्स आ रहा है, तो यहां पे जी एक्स को तो हम ले लेते हैं मोड ऑफ एक्स, और इस एक्स की जगह पे जब हमने कॉस एक्स रखा तो हमें यहाँ पे क्या फंक्शन मिल गया, ये एच एक्स मिल गया, है ना। तो इस तरह से सोच समझ लेना, आउटर फंक्शन को लेना है और इनर फंक्शन को यहाँ पे लेना है। बस उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ g of h of x हो गया, तो इसको क्या करेंगे, g of हटा के ब्रैकेट और एच एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी, एच एक्स की वैल्यू आपकी यहां पर क्या है, cos x, तो आप cos x की वैल्यू यहां पे देखो, यहां पे आपका क्या होता है, एच एक्स की वैल्यू हम सारी रख सकते हैं। अब ये फंक्शन हो गया, तो यहां पे आपका क्या होगा, इसके मोड के अंदर जाएगा ना, तो इसका जो डोमेन होगा उसमें से हम वैल्यू को रखेंगे ना, तो ये सोच समझ के देखना है हमें। तो g ऑफ, अब यहां x है तो ये मॉडुलस में x है, अब यहां पे cos x है तो यहां मॉडुलस में क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, hence f(x) equal to g of h of x। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअल कंटिन्यू शो करते हैं, ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है, पर्टिकुलर एक सी पॉइंट लेकर के हम लेफ्ट लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, एफ ऑफ सी निकालेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो उसके बाद हम लिखेंगे, hence gx and hx both are continuous for all values of x, तो वी नो दैट अगर ऐसे कोई दो फंक्शन हमें मिल जाते हैं जो कंटिन्यूज है, तो वहां पे क्या होगा, उनके कंपोजिशन जो होगा वो भी ऑल्सो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, तो एफ एक्स भी यहां पे कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, इजी। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33, एग्जामिन दैट साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आउटर फंक्शन कौन है, साइन, तो इसको हम यहां पे जी एक्स लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू हम साइन एक्स ले लेते हैं, और एच एक्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, इस एक्स की जगह मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया, तो वही हम अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, g ऑफ h ऑफ x निकाल के देखते हैं, क्या ये हमारे fx के इक्वल आ रहा कि नहीं, तो o को हटा करके hx हो गया, तो hx की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, तो मॉडुलस ऑफ x आएगा, तो g ऑफ ये आपका मॉडुलस ऑफ x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो यहाँ x है, यहाँ मॉडुलस x है तो यहाँ भी मॉडुलस x हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो गया साइन मॉडुलस x हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा, fx के, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे कि hence एफ एक्स जो है वो आपका जी ऑफ एच ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा। अब उसके बाद वही इंडिविजुअल मोड का भी देख लोगे, साइन का भी मैंने आपको वही क्वेश्चन 19 था या 22 था, उसमें भी पूरा का पूरा शो करके दिखाया था, तो सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे करना है। ये तो अभी तो मैं आपको आधा पार्ट कर रहा हूँ, आपको ईजी लग रहा है, और लेकिन वो सारा पूरा प्रोसीजर इसका अलग का कॉन्टिन्यू शो करके आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिखाना है एग्जाम में।
तो वही जो हमने लिखना था वो यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने कह दिया कि भाई जब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो हम हमारी जो थ्योरम नंबर टू है उसे हम जानते हैं कि दो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूज होगा। तो ये हो गए हमारे तीन क्वेश्चन। चलो लास्ट देखते हैं 34 ना, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। आप फंक्शन को देख के पहचानो कि क्या ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें आप प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिशन नहीं है, कि दो फंक्शन का मतलब जैसे हमारा यहां था कॉस एक्स था ना, इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन यहां पर रख दिया, जबकि ये दो इंडिविजुअल फंक्शन है। मॉड्यूलस एक्स अलग है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन अलग है, इसका इससे कोई यहाँ पे मैच नहीं है, कि इसके अंदर रखने से कोई वैल्यू आ रही है ना। तो इसका मतलब ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो नहीं है, बट ये एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है। हम कोई भी दो फंक्शन है उनको, अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने करवाया था ना आपको, जब आपको इंट्रोडक्शन कराया था। ये देखो यहाँ पे ये वाली है एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस एट रियल नंबर सी, मतलब ये फंक्शन एफ है, ये भी पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूस है, जी भी सी पर कॉन्टिन्यूस है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब इन फंक्शंस का कर दो, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही करती हूँ, इस फंक्शन को जी एक्स ले लेती हूँ, इस फंक्शन को एच एक्स ले लेती हूँ, दोनों को अलग अलग कॉन्टिन्यूस शो करते हैं। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए तो इनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स हो गया, एंड एच एक्स जो इक्वल टू हो गया वो आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे किस पे शो करें, कौन से पॉइंट पे इनको कॉन्टिन्यूस शो करें, तो हम यहाँ पे रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट के बिलोंग टू एक्स, एक्स की जगह हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, के बिलोंग टू आर बी एनी रियल नंबर। तो हम एक्स इक्वल टू के पर इनको दोनों को शो करते हैं, तो यहाँ पार्टीशन कर दें वहां पे। ठीक है, तो ये अलग लिख दिया, एक अलग लिख दिया। अब x इक्वल टू के पे g ऑफ x इक्वल कितना, मॉडुलस ऑफ x है, तो k पे कितना हो जाएगा, तो x पे k रख दो, g ऑफ k इक्वल टू मॉडुलस ऑफ k हो जाएगा। फिर LHL लिमिट निकाल लो, तो LHL लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू कौन से पॉइंट पे, k, तो k माइनस एफ ऑफ x हो जाएगा। तो k में से क्या माइनस करेंगे, h माइनस करेंगे, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ k माइनस h हो गया। तो यहाँ फंक्शन में आप रख दो x k माइनस h, ये हो गया आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये आपका यहाँ पर हो गया मॉड्यूलस ऑफ k माइनस का h हो गया। h की जगह जीरो रख दो, h की जगह जीरो रखा तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ k माइनस जीरो, तो k माइनस जीरो k ही होता है, तो मॉड्यूलस ऑफ k आ गया। तो देखो ये बोला ना, नाउ राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लिमिट में क्या हो जाएगा, k प्लस h हो जाएगा ओनली, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू k प्लस एफ ऑफ x हो गया। तो पुट करो क्या ऐड करेंगे, तो h को ऐड करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ k प्लस h हो गया। तो k प्लस h कहाँ रखेंगे, अब इसके अंदर यहाँ x की जगह पे, तो रखो, तो ये आपका हम f ऑफ ले रहे हैं, बल्कि ये g ऑफ लेना चाहिए था हमें ना, ये फंक्शन हमारा f ऑफ, बट लिमिट में जो हमारा चल रहा था ना वही मैंने लिख दिया, तो ये आप यहाँ पे g ऑफ ही कर दो, क्योंकि हमारा फंक्शन g ऑफ x के इक्वल है ना, तो हम यही पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी जी कर देते हैं। चलो अब क्या, k प्लस एच, तो यहाँ पे रखो लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो प्लस मॉड्यूलस ऑफ k प्लस h हो गया। h की जगह जीरो रखा तो मॉड्यूलस ऑफ k प्लस जीरो इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ k हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारी LHL लिमिट, RHL लिमिट और g ऑफ k तीनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो लिख दिया तीनों इक्वल है, तो जी एक्स जो है हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल k बिलोंग टू r, हमने कोई एक k पर्टिकुलर नहीं लिया था, वेरिएबल के फॉर्म में लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू के पे एच ऑफ के कितना हो जाएगा, तो एच ऑफ के इक्वल टू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ के प्लस वन हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को सॉल्व करो, तो ये आपका यहाँ पर हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टू के माइनस एच ऑफ यहाँ पे x हो गया। क्या माइनस करेंगे, के एच माइनस करेंगे, तो एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस आपका यहाँ पे क्या हो गया, एच ऑफ के माइनस एच हो गया। ठीक है, के पॉइंट पे निकाल रहे ना, तो यहाँ पे रखो के माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो माइनस मॉड्यूलस ऑफ k माइनस h प्लस वन हो गया। चलो जीरो रखो यहाँ पे, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ k माइनस जीरो प्लस वन, तो ये भी आपका मॉड्यूलस ऑफ k प्लस वन हो गया। ईजी है ये तो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपने RHL निकाला, तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू k प्लस h ऑफ x, क्या प्लस करेंगे, तो h प्लस करेंगे, h इज टेंडिंग टू जीरो प्लस h ऑफ k प्लस h हो गया। ठीक है,
तो अब इसमें जहां पर भी मॉडुलस में एक्स इज इक्वल क्या रखेंगे, अब के प्लस एच रखेंगे, तो ये भी रख लेते हैं। तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस एच के प्लस एच प्लस वन। एच की जगह पे जीरो रखो, हमने के प्लस एच रखा ना, तो अब ये नहीं आएगा, यहाँ मॉडुलस आ जाएगा। तो ये होगा मॉडुलस ऑफ के प्लस जीरो प्लस वन हो गया, तो ये भी आपका मॉडुलस ऑफ के प्लस वन आ गया। तो वही ये इक्वल और ये इक्वल, तीनों इक्वल, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन भी आपका कॉन्टिन्यूस है। तो हमने यहाँ फाइनल लिख दिया कि बाय अल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस, ये डेफिनेशन है ना, देन एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो हमारा एफ एक्स यहाँ पे क्या था, एच एक्स और जी एक्स था ना, तो हमने कहा कि इसका मतलब जी एक्स माइनस एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल के बिलोंग टू आर। तो दैट इज एफ एक्स जो है मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल के बिलोंग टू आर। तो ये हमारी खत्म हो गई 5.1 एक्सरसाइज, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।